आज की बड़ी स्टोरी है मुंबई से, जहां पूर्व पुलिस चीफ परमवीर सिंह पर बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा मुंबई का एंटीलिया कांड, जिसमें मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने एक लावारिस स्कॉर्पियो मिली थी, जिसके अंदर बम बनाने के काम आने वाली जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार के लिए धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह दावा किया कि साल 2021 का चर्चित एंटीलिया कांड और मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह है। यह पहला मौका है जब किसी आधिकारिक दस्तावेज में परमवीर सिंह के मास्टरमाइंड होने का जिक्र किया गया है। एंटीलिया कांड पर जो चार्जशीट एनआईए ने दायर की है, उसमें कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे साबित होता है कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड हैं। इस खुलासे के बाद पक्ष और विपक्ष में जमकर राजनीति हो रही है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने परमवीर सिंह को बचाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। एंटीलिया का मास्टरमाइंड कौन है, उसका क्यों ये कांड कराया गया, इसको लेके एनआईए ने कभी भी स्पष्ट रूप से ना चार्जशीट में कहा है, ना आज तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। ये सारे मामले की जड़ में एंटीलिया का मामला है और जिसके मास्टरमाइंड परमवीर है, क्योंकि विधानसभा के सत्र में सरकार को वे गुमराह कर रहे थे। जब जांच चल रही थी, वजह और परमवीर बैठ के एक कमरे में चार चार छः छः घंटे मीटिंग करते थे, तो गड़बड़ है, लेकिन एनआईए बचा रही है और परमवीर के जरिए केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है। एंटीलिया प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के बाद भारतीय जनता पार्टी को ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं को निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा विधायक प्रवक्ता राम कदम ने कहा, सचिन वजे महाराष्ट्र सरकार का वसूलीबाज था। ठाकरे सरकार ने खुद सचिन वजे को पुलिस फोर्स में लेने के लिए दबाव बनाया था। गंभीर आरोपों का वसूलीबाज अफसर, जिसे भाजपा की सरकार ने नकार दिया कि इसे रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, उसे ठाकरे सरकार रीइंस्टेट कर रही है। और न केवल रीइंस्टेट, बल्कि मुंबई शहर का सबसे महत्वपूर्ण पद उसे दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ दाल में काला हुए बगैर ये अचानक से एकाएक से ये नहीं होता। निश्चित तौर पर वाजे के वसूली के तार महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के बड़े नेताओं तक जाते हैं। ईडी की चार्जशीट सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि एंटीलिया कांड में आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो कहानी के पीछे छिपे किरदार के तौर पर अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है, मैं इसका विरोध करता हूँ और ईडी जैसी एजेंसी ने इसका ऐसे स्टेटमेंट जारी नहीं करने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि नियम क्या है। नियम जो है वो नियम 22(1) के तहत जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए एमपी, वो अपने जिले से कुछ लोगों की सिफारिश गृह मंत्री को करते हैं। अनिल देशमुख साहब जब गृह मंत्री थे तो वो उस लिस्ट के अंदर कुछ नाम जो लोग देते थे उसकी सिफारिश की एक कच्ची लिस्ट बनाकर एसीएस होम को देते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निलंबित आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया ही इसीलिए था क्योंकि देशमुख को पता चला कि एंटीलिया कांड और मनसुख हत्या मामले में सिंह मास्टरमाइंड थे और इन मामलों से जुड़ी ब्रीफिंग में वो सच को छिपा रहे थे। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिसमें अंबानी परिवार के लिए लिखा गया धमकी भरा पत्र और जिलेटिन स्टिक्स मिले थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।